नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे सेशन ऑफ नीट एडमिशन फरीदाबाद। तो आज का हमारा टॉपिक है बीडीएस, बैचलर इन डेंटल सर्जरी। तो दोस्तों, बीडीएस के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने मार्क्स तक सरकारी मिलता है, कितने मार्क्स तक प्राइवेट मिलता है, क्या फीस होती है, क्या स्कोप है, इसके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे। उससे पहले प्लीज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं। काउंसलिंग की पेड सर्विसेज लेना चाहें तो हमारा ऑफिस फरीदाबाद में है, आप मीटिंग भी कर सकते हैं यहाँ आकर के, या फिर आप ऑनलाइन भी हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर के सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, आपके मार्क्स पे पूरे भारत में कौन सा बेस्ट कॉलेज मिलेगा, आपके रैंक, आपकी कैटेगरी, आपका डोमिसाइल और आपके बजट के हिसाब से क्या बेस्ट ऑप्शन आपको मिल सकता है, ये हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बीडीएस। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास क्वेरी करते हैं कि सर, बीडीएस का क्या स्कोप है, बीडीएस लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि बीडीएस में जो है कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेज में अगर जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है तो 550 नंबर तक मिलने की पॉसिबिलिटी होती है ऑल इंडिया कोटा से, और हर स्टेट कोटा का अपना डिफरेंट सिनेरियो रहता है। तो मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करूंगा, 550 से ऊपर है तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बीडीएस मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग हिसाब है, तो अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो व्हाट्सएप करके आप पूछ लीजिएगा। बट जनरल कैटेगरी में 550 से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी तीनों कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बस 10-5 नंबर का ही फर्क होता है, 540-535 तक ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में सीट मिल जाता है। बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो जो टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें 300 से ऊपर नंबरों पर आपको कॉलेज सीट मिल जाता है, बड़े बड़े नाम जितने भी हैं मिल जाता है। अगर कोई किसी के मार्क्स 450 हैं या 500 हैं तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना देख सकता है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। चंडीगढ़ में एक कॉलेज है, बहुत ही बढ़िया है, इन सबकी फीस भी 1.5-2 लाख की होती है साल की, और कॉलेजेस ये काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पे आप जाकर के कर सकते हैं। यूपी में सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ 3 लाख के आसपास फीस है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, बहुत ही अच्छी ओपीडी भी है और बढ़िया ऑप्शन है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं बीडीएस में, हर स्टेट में 15-20 कॉलेजेस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी कई सारे हैं। तो बीडीएस एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप ये देखिए कि हॉस्पिटल कैसा है। एमबीबीएस में एक बार के लिए हॉस्पिटल थोड़ा कमजोर हो तो चल जाता है काम, बट अगर बीडीएस में हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, पेशेंट लोड अच्छा नहीं है, तो बच्चा आपका कुछ भी सीख के नहीं निकलेगा। एमबीबीएस में तो ये है कि अगर आपने एमबीबीएस पास कर लिया है उसके बाद आप पीजी करते हैं, और पीजी में अगर आपने अच्छे कॉलेज में ले लिया एडमिशन, बहुत अच्छी बात है। बट बीडीएस में क्या है, अगर आपका ग्रेजुएशन बहुत वीक हो गया तो फिर पीजी में जो है अच्छा कॉलेज निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो एमबीबीएस में फिर भी हम देखते हैं 300-400 की ओपीडी हो ही जाती है प्राइवेट कॉलेजेस में भी, बट बीडीएस में ऐसे हॉस्पिटल्स भी देखे गए हैं जहां पूरे दिन में 10 पेशेंट्स, 5 पेशेंट्स भी नहीं आते। तो बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छे हॉस्पिटल में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें जहां की ओपीडी अच्छी है, पहली बात। दूसरी बात, सरकारी कॉलेज अगर मिल जाए तो बेस्ट है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लीजिए, वहां पे ओपीडी होती है, वहां एडमिशन लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि सरकारी कॉलेजेस जो हैं वो हर स्टेट में एक या दो ही सरकारी कॉलेज होता है जहां पे बीडीएस की सीट्स होती हैं, जैसे यूपी में केजीएमयू लखनऊ है, वो तो जबरदस्त कॉलेज है, वहां पे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। दिल्ली में मौलाना आजाद में है, जामिया मिलिया इस्लामिया में है, ये सब अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। ऐसे ही अगर बात करूं दूसरे जो स्टेट्स हैं, हर स्टेट में जो वहां का सबसे बेटर कॉलेज है, जैसे हरियाणा में पीजे रोहतक में है, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। तो हर स्टेट में अगर सरकारी कॉलेज आपको मिले तो वो आप लीजिए, वहां से बीडीएस करके आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा। बात करें स्कोप की, तो देखिए जॉब का स्कोप कम है, प्राइवेट अपना सेटअप आप डाल सकते हैं, कूल लाइफ है, ज्यादा हेक्टिक लाइफ नहीं है, काम आपको आना चाहिए, काम अगर आपको आता है, हर शहर में हम देखते हैं 1-2 डेंटिस्ट बहुत बिजी होते हैं, बाकी के पास काम नहीं होता, उस 2 डेंटिस्ट में बनने की कोशिश करिए, आपको काम आएगा तो आप उन 2-3 डेंटिस्ट में आप आ जाएंगे। इंडिया में जो स्कोप है वो तो है ही, अगर आप कल को अब्रॉड सेटल होते हैं तो बाहर जो है लोग दांत का ख्याल बहुत रखते हैं, हम लोग इतना नहीं ध्यान देते, बट बाहर लोग अपने टीथ का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, और वहां पे एज अ डेंटिस्ट आप बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। तो डेंटल अगर आप लेते हैं तो पहली बात गवर्नमेंट में लीजिए, प्राइवेट में लेते हैं तो अच्छे कॉलेज में लीजिए, एंड जॉब का स्कोप कम है, आपको अपना सेटअप डालना पड़ेगा, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जा सकते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, ये इसका स्कोप है।
कंपैरिजन जो है अगर बीएमएस के साथ करूं या कुछ और, वो मैं अलग वीडियो डालूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार।